हेलो फ्रेंड्स, रेज टू हेल्प में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अनबॉक्स और एक्सप्लेन करूंगा इलेक्ट्रिक एनर्जी विद विंड टर्बाइन प्रोजेक्ट, मतलब हम विंड एनर्जी से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं केवल 0.4% व्यूअर्स ने ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप भी यह प्रोजेक्ट या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट खरीदना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप उन पर क्लिक करके इनको परचेज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें यह मैनुअल मिलेगा और साथ में हमें ये दो फैन मिले हैं, दो मोटर के साथ में। ये देखिए, जो ग्रीन कलर का फैन है इसके साथ में मोटर का साइज भी बड़ा है, ये बड़ी मोटर है। इस मोटर के साथ में हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे जो कि इस फैन को घुमाएगी। और साथ में ये देखिए, जो ऑरेंज कलर का फैन है इसके साथ में जो मोटर है ये छोटी मोटर है और ये डायनमो मोटर है। इस मोटर के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी जो कि हम यूज करेंगे। और साथ में यह बैटरी केस है, इसमें दो बैटरी लगेंगी जो कि इस बॉक्स में नहीं दी गई हैं, उसको हमें एक्स्ट्रा अलग से लगाना पड़ेगा। और यह दो स्टैंड हैं जिसमें हम दोनों मोटर्स को और फैंस को इंस्टॉल करेंगे। और यह छोटा स्टैंड है जिसमें हम आउटपुट LED को फिट करेंगे। और यह इसका बेस है जिसमें हम तीनों स्टैंड्स को फिट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम डायनेमो मोटर को LED और स्टैंड के साथ में फिट करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने LED को डायनेमो मोटर में फिट कर दिया है, लेकिन इसको स्टैंड में फिट करने से पहले आप एक बार इंश्योर कर लें कि LED की लेग्स जो हैं वो सही पोलैरिटी में लगी हैं। देखिए, मैं मोटर को घुमा रहा हूँ लेकिन LED नहीं जल रही है, मतलब LED की जो लेग्स हैं वो सही पोलैरिटी में नहीं लगी हैं। हम इसको एक बार रिवर्स कर लेते हैं। ये देखिए, अभी रिवर्स करने के बाद में जैसे ही मैं इसको घुमा रहा हूँ तो हमारी LED जल रही है, मतलब हमारा अब सही पोलैरिटी है। दूसरी DC मोटर को इंस्टॉल करने के लिए हम इस DC मोटर की ग्रीन केबल को हम स्विच बाय स्विच हम यूज़ करेंगे। स्विच की जो ग्रीन केबल है इसके साथ कनेक्ट करेंगे और इसकी ब्लैक केबल को हम बैटरी के ब्लैक केबल के साथ, मतलब नेगेटिव पोलैरिटी के साथ कनेक्ट करेंगे। और जो स्विच की रेड केबल होगी उसको हम बैटरी की रेड केबल, मतलब पोलैरिटी के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो कुल मिला के हम जो DC मोटर के लिए पॉजिटिव जो वोल्टेज है उसको हम स्विच के थ्रू देंगे। तो चलिए, इसको भी हम इंस्टॉल करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने DC मोटर की ब्लैक केबल को बैटरी की ब्लैक केबल के साथ में कनेक्ट कर दिया है और ग्रीन केबल को मैंने बाया स्विच बैटरी के पॉजिटिव केबल के साथ में कनेक्ट कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं मैंने दोनों मोटर्स को, फैंस को, बैटरीज को, स्विच को, सब चीज़ को मैंने इंस्टॉल कर लिया है। ये देखिए, अभी जैसे ही मैं स्विच को प्रेस करूँगा तो हमारा जो फैन है DC मोटर का ये घूमना शुरू करेगा, जिससे हवा प्रोड्यूस होगी और उस हवा से इसके सामने जो फैन लगा है ये घूमेगा और जिससे डायनेमो मोटर घूमेगी और वो वोल्टेज प्रोड्यूस करेगी जिससे हमारी LED ग्लो करेगी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, ये वाला फ़ैन तो घूम रहा है लेकिन इसके सामने वाला फ़ैन घूम नहीं रहा है, क्योंकि इसकी मोटर और ये फ़ैन जो है ये थोड़ा सा लूज़ है, इसलिए ये फ़ैन घूम नहीं रहा है। इसीलिए मैं इस प्रिंसिपल को कंप्लीट करने के लिए मैं फ़ैन को रिमूव करके मोटर को डायरेक्ट हाथ से घुमाऊँगा जिससे हमारी LED ग्लो करेगी, क्योंकि फ़ैन तो घूम नहीं रहा है, तो इसलिए मैं हाथ से ही मोटर को घुमा रहा हूँ। जबकि इसके ओरिजिनल प्रिंसिपल में फ़ैन के साथ में जो हवा प्रोड्यूस होगी, विंड प्रोड्यूस होगी, उस विंड से हमारे डायनमोमीटर का फ़ैन घूमेगा और उससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये देखिए, जैसे ही मैं मोटर को हाथ से घुमा रहा हूँ तो LED ग्लो कर रही है। किट में खराबी होने की वजह से ये फ़ैन नहीं घूमा था, तो इसलिए मेरे को ये थोड़ा आपको इस तरह से दिखाना पड़ा। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट खरीदना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप उसको खरीद सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।